ये अपने लश्करे तौबा नाल आया ते ओनू कहंदा जी इहनू गड्डी च सुट्टो ते ओनू लै गए उथों सानू नहीं पता किथे लै गए। मुल्तानी नू मार दिता मैं, ओदे भुल्लर दे मासड़ नू मारता, ओदे बाप नू मार दिता। तेनू अपनी जान प्यारी है कि नहीं? तुसी मैनू ये कह रहे सी कि तुसी इन्नी देर बैठे रहे ते इन्ना टेररिज़ करदा रहा सानू कि असी बोलीए ना, क्योंकि ओनू पता सी कि असी बोलना जदों बोलना कि साडे सामने सारा इंसीडेंट होया। मुल्तानी नू भी वो लेके आए दो पुलिस वाले, ओदे कोल चलिया ही नहीं जा रहा सीगा। पंजाब पुलिस के सबका डीजीपी समेत सैनी 29 साल पुराने बलवंत सिंह मुल्तानी अगवा मामले च बेशक जमानत लैण दे विच कामयाब हो गए ने, पर उन्हां दी मुश्किलां घटदियां दिखाई नहीं दे रही। जी हां, इस मामले च हुण गुरशरण कौर मान नां दी एक चश्मदीद गवाह सामने आई है, जिस नाल इस केस विच एक नवा मोड़ आ गया है। गुरशरण कौर मान दा कहना है कि 1991 विच समेत सैनी ने बलवंत सिंह मुल्तानी दे नाल उसनू अते उसके पति प्रताप सिंह मान नू भी चुक के तशद्दुद ढाया सी। बीबी मान ने इस केस नाल जुड़े होर सनसनीखेज खुलासे भी कीते ने। की कुछ कहना इस बीबी दा, तुसीं भी सुनो। दसो जी, जिहड़े 1991 दे विच बलवंत सिंह मुल्तानी ते मेरे हसबैंड ते सानू ते मेरे बच्चे नू ड्यूटी दी पुलिस चुक के लै गई सीगी, सानू अलग चक्या, उन्हूं अलग चक के लियाई सीगी। तो इन्हां ने सानू 11 सैक्टर पुलिस स्टेशन च पहले लै गए, उत्थे सुमेध सैनी बैठा होया सी। मेरे हसबैंड नू बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया, मैनू भी, मेरा बच्चा भी उत्थे सीगा। तो उस तो बाद अगले दिन सानू 17 सैक्टर थाने च लै गए, उत्थे मुल्तानी सीगा। मुल्तानी का बहुत बुरा हाल सी, उन्हूं इन्ना टॉर्चर किया सी, वह ना चल सकता सी ना कुछ। तो फिर उस दिन 13 दी रात नूं उत्थे सुमेध सैनी आया थाने दे विच, ते सानू सारिआं नूं जी उहदे कोल पेश कीता। ते उहने मैं सारा ऑलरेडी दस चुकी हाँ, ते उहने सानू सारिआं नूं पेश कीता। ते उत्थे जिहड़ा सीगा मुल्तानी नूं वी उह लैके आए दो पुलिस वाले, उहदे कोल चलिआ ही नहीं जा रहा सीगा, उह गिर गया। सुमेध सैनी ने उहनूं बहुत टॉर्चर कीता, ठुड्डे मारे, उहदी अख बाहर आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि तेनू तो नहीं छड़ना, तेनू तो दूजे घर ही भेजना है। तो मेरा हसबेंड सारा कुछ देख के वो घबरा के तो थले गिर गए, अनकॉन्शियस होकर सानू बाहर लै गए। वो चीक चहाड़ा असी सुन रहे सी, वो तरले मार रहा सी। तो अगले दिन सवेरे जो मैं वॉशरूम जाना सी, वो बरांडे च पिया सी, वो बुरा हाल, वो ब्लड निकल रहा सी। तो ये अपने लश्करे तौबा नाल आया ते ओनू कहंदा जी इहनू गड्डी च सुट्टो ते ओनू लै गए उत्थों, सानू नहीं पता कित्थे लै गए। उत्थे होर भी बंदे सीगे 4-5 जिन्हां नू सब नू कह रहे सी वी आह वी इहदे च है, आह वी इहदे च है। उन्हां नू भी बहुत टॉर्चर किया होया सीगा। उहदे च इक भुल्लर दा मामा मासड़ एंड उहदा बाप भी सीगा। ते फिर इन्हां ने जी सानू ते कही जांदे रहे कि तुहाडे खिलाफ कुछ नहीं है, तुहानू ते छड्ड देना। ते बस इक दिन च, पर उह सानू इह पता चलिया कि भुल्लर जिहड़ा जी उह इन्हू कही जाते हैं कि वह कस्टडी चो भज गया, तो बेचारा तुर भी नहीं सकता सी, उहदा इन्ना बुरा हाल सीगा। तो इन्होंने सानू उस केस च 17 सैक्टर ठान कोर्ट च पेश कर दिता कि ये वो बंदे आ जिन्होंने इस केस च इनवॉल्व है। तो फिर मेरी उत्थे जमानत हो गई, मेरे हसबेंड की भी 2-3 महीनों बाद जमानत हो गई। जो मेरे हसबेंड जमानत आए तो कहना जी तू कि बाहर आ गया, सन उतों जेल चो ही चक लियाए बाहरों। मेरे हसबेंड नूं निकलदिया ही मैनू भी नाल मैं लैन गई हुई सी राती 10 बजे 9 सैक्टर दफ्तर च लैके। तो कहंदा जी तुसी किद्दां, उहनूं कहंदा तू किद्दां बाहर आ गया, तैनूं पता मैं उहनूं मुल्तानी नूं मार दिता, मैं उहदे भुल्लर दे मासड़ नूं मारता, उहदे बाप नूं मार दिता, तैनूं अपनी जान प्यारी है कि नहीं, तू चल जा वापस। तो उहनूं झूठा केस 157 दा पा के दोबारा जेल भेज दिता। फिर वह जदों अरोड़ा साहब आए SSP, ये ट्रांसफर होया, मैं उन्होंने जाके मिली, उन्होंने कहा तू जाके रिलीज़ करा ला। मेरे हसबेंड फिर बाहर आए, उस तो बाद वो डिप्रेशन चले गए। फिर 93 च बंदे ने सानू मैसेज भेजा कि 16 सैक्टर घर है, पता नहीं केदा सीगा ओह, इहदा सैनी दा, भी आओ उत्थे। असी उत्थे गए, उत्थे अरोड़ा साहब भी बैठे सीगे। ये सानू कहंदा जी आ एक चिट्ठी तुहाडे घर आऊगी भी मुल्तानी वालों, तो तुसी ये चिट्ठी लैके ना उहदे बाप को चले जाना, तो उन्हूं कहना है कि ये चिट्ठी जिहड़ी है मुल्तानी ने लिखी है, तो वह भी वह मुल्तानी तो जिंदा हैगा, वह PO ही है, तो तुसी घबराओ ना।
ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 14 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਇਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨੀਮਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ 2000 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰੋ PO ਕਿੱਥੇ ਨੇ, CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ। CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ UT ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਜੱਜ ਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੰਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜੱਜ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ DGP ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਬਈ ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਗੰਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ IO ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਿਤ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV।